देखिए, आप सबको सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे साथ बड़े ही विद्वान लोग बैठे हैं, तो इसकी शुरुआत में हम एक चीज पूछना चाहेंगे हमारे राजनीतिज्ञ से कि भाई दिवाली क्यों मनाई जाती है, जरा बताइए लोगों को, कुछ अलग रीजन बताएं। अरे दिवाली अच्छी बात है ना, खुशी होगा त्योहार है, खुशी मनाने के लिए दिवाली मनाई जाती है, खुश होने। एक बार की टाइम की बात है कि टीम इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया सर, जब वो घर लूटी थी, इसलिए दिवाली मनाई। नहीं मतलब इस ज्ञान के लिए तो क्या बात है। देखिए मैं पता है एक कमाल की चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग भी जान रहे होंगे कि देखिए दिवाली का मौसम है, और एक चीज अक्सर जब भी दिवाली आती है तो एक प्रश्न सामने आ जाता है कि पटाखे छुटाने चाहिए कि नहीं चाहिए। अलग अलग सरकारों की सलाहें होती हैं, काफी बड़े बड़े लोग इस पे ज्ञान भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब जानते हैं कि हमारी आम जनता बहुत सारे पटाखे खरीद के लाती है और छुटाती है। ये लोग भी लेके आए हैं कल परसों पटाखे। मतलब यार एक कमाल की चीज ये देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिलते हैं जिनमें क्या होता है ना, आज की डेट में, अब पिछले एक दो साल से खास हो गया है कि ये जितने भी लोग, अगर किसी सेलिब्रिटी ने, किसी बड़े बंदे ने ये बोल दिया ना कि सेफ दिवाली मनाओ, पटाखे मत छुटाओ, जानवरों को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, भाई सब लोग ना भर भर के गालियां देते हैं उनको, सबको। अब ये पिछले 3-4 सालों से तगड़ा ट्रेंड हो गया है ना, पहले देते थे लेकिन अब तो भाई सब लोग बड़े खुकार हो गए। रीजन भी है यार, और एक सर्वे में ये बताया गया, आई थिंक कोर्ट के द्वारा भी एक सर्वे कराया, तो उसमें पता लगा है कि पहले पटाखे बच्चे छुटाते थे, अब बड़े ज्यादा पटाखे छुटाते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें पूछना चाहूंगा कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, व्हाट यू थिंक गाइस? देखिए इसके बारे में आपको बता दूं कि अगर कोई भी कहे ना कि भाई दिवाली पे पटाखे मत छुटाओ, मैं इसे एग्री करूंगा कि भाई जिस टाइम त्रेता युग था उस टाइम तो पटाखे थे ही नहीं। अगर यदि आज पटाखे छुटाने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और दिल्ली में डायरेक्ट इफेक्ट भी दिखाई देता है तो मत छुटाई नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं कहूँगा कि ठीक है मैं नहीं छुटाऊंगा, लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कोई स्पेशल ताकतवर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जैसा खास दिवाली वाले दिन आकर कहता है कि भाई साहब दिवाली वाले दिन आप पटाखे मत छुटाइए, तब फिर वो ईगो पर लगती है बात, यार ये तो सिर्फ हमारे त्योहार के ऊपर आकर बोल रहे हैं कि ये मत करो, तो फिर जो हिंदू थे ना जो अभी जाग गए कट्टर हिंदू, वो फिर जानबूझ के छुटाते हैं कि आप तो सिर्फ इसलिए छुटाना है दिवाली है, इसलिए नहीं बल्कि इसने मना किया है ना इसलिए छुटाना है पटाखे, उसी का प्रभाव हो रहा है और ये होता रहेगा। पटाखे छुटाने से प्रदूषण हो रहा है मानते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती किया जाता है ना कि दिवाली वाले दिन पटाखे मत छुटाओ, इसमें जो ज्ञान दिया जाता है प्रॉब्लम उससे भाई कुछ ओके टिकटॉकर। और इसके दीपावली पर सभी जमकर पटाखे जलाए, इसका कारण बताओ क्या है, बताओ क्यों है? जिन्हें प्रदूषण की चिंता है ना वो गाड़ी बेच कर साइकिल ले ले, शहर वाले जो है ना, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्योहार है, हम तो मनाएंगे। और जो नहीं ऐसे बोलते हैं कि, और अगर ये लोग चाहते हैं कि पटाखे दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, हम नहीं जलाएंगे, लेकिन फिर साल भर कीजिए ना, ना ही आप हैप्पी न्यू ईयर पे पटाखे जलाएंगे, ना ही किसी शादी में, या फिर जो पार्टी जीत जाती चुनाव, ना आप उस दिन जलाओगे पटाखे, प्रदूषण तो प्रदूषण होता है। जिस वर्ष भारत में क्रिसमस बिना शराब और बकरी बिना कद्दू काटते हैं ना उनके बिना मनाई जाएगी ना, उस वर्ष हम दीपावली बिना पटाखे मनाएंगे करना, वो भी बेकार है ना। इनका मतलब है कि जब क्रिसमस वाले दिन खूब बियर और दारू बिकती है और बकरीद वाले दिन बकरे और बकरिया है ना वो काटे जाते हैं, तो उसी की बात कर रहा है कि आप यदि हिंदू त्योहारों पर ये रोक लगाते हैं ना तो बस सभी पर लगा दीजिए ना। अब हम बात करेंगे इस्लाम प्रेमी लिबरल बोल भाई। देखो सबकी इंडिविजुअल फ्रीडम है कि सभी पटाखे छुटाए तो उसकी मर्जी, नहीं छुटाए तो उसकी मर्जी, सभी के अलग मर्जी है। मतलब तुम्हारे जो मन में है वो करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम छुटा रहे हो कि नहीं इस बार? तुम पटाखे छुटा रहे हो कि नहीं? छुटा रहा हूँ ना, मैं छुटा रहा हूँ, पटाखे लेकर आया हूँ। अगर ये पटाखे नहीं छुटा रहा होता तब ये ज्ञान देता, बट ये नहीं देगा। देखिए हमारे साथियों ने भले ही मजाक में कुछ भी कहा हो, लेकिन भाई साहब कमाल की बात कही है, और आप लोग ना एग्री करिए उस बात से, जो मीनिंग है वो बड़ी सीधी और सिंपल सी बात है। मतलब कोई भी अगर बोलता है कि देखो पटाखों से पॉल्यूशन फैल रहा है, पटाखे मत छुटाओ, तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को ज्ञान देना पॉलिटिशियंस के द्वारा, सेलिब्रिटीज के द्वारा, ये मेरे हिसाब से यूजलेस है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको भी अगर मुंह पे आके बोल रहा है ना कि भाई देख पटाखे मत छुटाओ पोल्यूशन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? बड़ा सीधा और सिंपल सा सोल्यूशन है,
जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे पटाखे बनते हैं उनको बैन कर दीजिए। कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर चीज का जो मैन्युफैक्चर है ना वो बंद कर दीजिए आप, अगर आप उसको या उस पर बैन लगा दीजिए। अब पटाखे बनेंगे नहीं तो मार्केट में भी नहीं आएंगे, मार्केट में नहीं आएंगे तो लोग खरीदेंगे क्या और बेचेंगे क्या। देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जिन चीज़ों से पर्यावरण या समाज या सरकार को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देश को प्रॉब्लम हो रही है, उन पे बैन लगाओ ना यार, आप उनके मैन्युफैक्चर पे बैन लगाने की कोशिश करो, वो सबसे बेस्ट अटैक होता है। बजाय इसके कि फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, धंधा भी हो रहा है, बिजनेस वाले बिजनेस भी कर रहे हैं, मार्केट वाले पैसे भी कमा रहे हैं, अब तुम लोगों से कह दो कि भाई तुम पटाखे मतलब मत खरीदो और मत बेचो। तो मेरे हिसाब से ना उसमें मतलब ऐसा नहीं कुछ होगा नहीं, होगा बट उससे प्रभाव कम पड़ता है, समझ रहे हो। अगर पोल्यूशन को कम करना ही है तो इन फैक्ट्रियों के ऊपर बैन लगाओ ना यार, और उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पराली वाली हैं, जैसे किसान लोग पराली जलाते हैं। भाई मैं खुद हरियाणा गया था, आप लोगों को वीडियो दिखाए थे मैंने, मतलब मैं राजस्थान का बंदा हूँ, हमने ऐसे पराली जलते हुए कभी देखी नहीं, बट जब मैं खुद वो सीन देखता हूँ ना, क्योंकि पंजाब बॉर्डर के पास गए थे हम लोग हरियाणा होते हुए, वहां पे मतलब यार मुझे तो ऐसा लगा था, मैंने तो खुद वीडियो बनाया था कि भाई देखो इसराइल ने अटैक कर दिया है, ऐसा ही लग रहा था। सड़क चल रही है ना, तुम्हें दूर दूर ऐसे दिखेगा भाई पूरा गांव गांव जल रहा हो, मतलब खेतों के खेत जल रहे होते हैं, इतना धुआं निकलता है, तो वो बहुत ज्यादा असर डालता है, ठीक है। तो सरकार को किसानों को सॉल्यूशन देना चाहिए कि वो पराली ना जलाएं, तो एक वो सबसे बेस्ट मतलब रहेगा। और उसके अलावा रही बात इंडस्ट्री वगैरह कारें वगैरह, तो देखो सारी चीजें बंद भी नहीं हो सकती, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पे एक कुआ है और कुएं में सबको गिरना है, तो तुम कुछ भी कर लो कुएं में तो गिरना है, बस ये है कि 100 साल बाद गिरेंगे या फिर तुम अगर चाहोगे तो 150 साल बाद गिरेंगे, तो वो टाइमलाइन थोड़ी बढ़ा सकते हो, बाकी गिरना तो सबको है, यही कहानी का अंत है भाई। बट हम तो जलाएंगे, और आपकी जलेगी तो जल लेने तो हम तो साला कट्टर हिंदू है। सो गाइस दैट्स इट, थैंक यू एंड बाय बाय। वाओ सिट देखो धुआं, ये स्लो मोशन देखो, स्लो मोशन, वाओ क्रेजी कंटेंट।